हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल राइड। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो कि टेक्सटाइल स्पिनिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, जिसका नाम है ट्रैवलर मास एंड बैलून टेंशन और बैलून। मतलब ये है कि ट्रैवलर का जो मास है, ट्रैवलर का जो वेट है, उसका क्या रिलेशन है बैलून के साथ और बैलून टेंशन के साथ। पहले मैं आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट है, जो कि रिंग स्पिनिंग मशीन है, जहाँ फाइनली धागा बन जाता है, उसमें कुछ यूं होता है कि एक होता है हमारा स्पेंडल, जो कि किस इस फॉर्म में होता है। ये हमारा स्पेंडल है, बेसिकली मैं लिख देता हूँ स्पेंडल, ठीक है जी। अब इसके बिल्कुल ऊपर हमारा एक लैपेट गाइड अटैच होता है। मैं यहां यूं बनाऊंगा, यूं करके, इसके बिल्कुल ऊपर यहां एक इसका आई भी होता है, जहां से धागा पास होता है। अब हो क्या रहा है कि यहां हमारे पास क्या है, ड्राफ्टिंग मैकेनिज्म है, जहां पे ड्राफ्टिंग होती है और इस ड्राफ्टिंग से धागा निकल के इस पॉइंट में लाके इस आई से पास होके कहां आ जाता है, इस आई से पास होके यहां आ जाता है। अब यहां एक और चीज है कि इस स्पिंडल के बिल्कुल अराउंड हमारे पास, मतलब फॉर एग्जांपल ये स्पिंडल है, इसके अराउंड हमारे पास एक सरफेस होता है जिसको हम कहते हैं रिंग। अब हो क्या रहा है, यहां पर हमने अटैच कर दिया रिंग। ये बेसिकली ये इसका रिंग का सरफेस है, ठीक है जी। इस रिंग के ऊपर एक सी टाइप अटैच होता है जिसे हम कहते हैं ट्रैवलर। ये मैंने यहां अटैच कर दिया, दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ ट्रैवलर। ये हमारे पास ट्रैवलर है। होता क्या है कि जब हमारे पास ये धागा आ जाता है, ये बेसिकली धागा है, तो ये धागा यहां से अंदर गुजर के यूं आके इस पे वाइंड हो जाता है, ठीक है जी। ये देखिए, यहां ड्राफ्टिंग असेंबली से निकल के इस लैपेट गाइड, दिस इज कॉल्ड अ लैपेट गाइड, लैपेट गाइड के आई से निकल के यहां आता है, इस ट्रेवलर से गुजार के इसके अंदर जाके और यहां इस स्पिंडल पे वाउंड हो जाता है। अब यहां हो क्या रहा है, ध्यान से देखिए कि वाइंडिंग कैसे हो रही है। पहले आपको यह समझना लाजमी है इस टॉपिक से पहले कि जो वाइंडिंग हो रहा है वो बेसिकली स्पिंडल के स्पीड से हो रहा है। देखिए, ना तो ये ट्रेवलर का अपना मोशन है, ना इस धागे का अपना मोशन है, मोशन है बेसिकली इस स्पिंडल का। जब यह स्पिंडल घूमता है, यूं घूमता है, तो इसके ऊपर धागा लपेटा हुआ होता है। तो जब ये घूमता है, ये अपने ऊपर धागा लपेटता है, और जब धागा लपेटता है तो धागा मोशन, लीनियर मोशन में आता है, यहां रोटेटरी बन जाता है लेकिन यहां लीनियर मोशन में आता है। अब हो क्या रहा है कि ये जो धागा है ये इस ट्रैवलर के साथ इनटच्ड है, और ये ट्रैवलर क्या करता है, जब ये इनटच्ड है तो जब ये धागा मूव करता है तो इसके साथ ये ट्रैवलर इसके अराउंड इस रिंग के सरफेस पे मूव करता है, स्पिंडल के अराउंड इस रिंग के सरफेस पे मूव करता है। किसके जरिए, इस धागे की मोशन के जरिए इस ट्रेवलर को मोशन मिल रहा है। बेसिकली यहां ये आपको समझना लाजमी है। इसके बाद क्या हो रहा है, हमारा ये हो रहा है कि जब ये मूव करता है तो इसकी मूवमेंट से इस धागे में ट्विस्ट इंसर्ट होता है, और होता क्या है कि यहां से ये अटैच्ड है, यहां से ये धागा, मतलब यहां इसने यूं पकड़ा तो नहीं हुआ लेकिन एक सहारा दिया, एक सपोर्ट दिया है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये उसको घुमा रहा है नीचे से। लेट मी शो यू कि हो क्या रहा है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक धागा है, समझे, ये जो मेरा ऊपर वाला हाथ है ये लैपेट गाइड है, और ये जो मेरा नीचे वाला हाथ है दिस इज बेसिकली कॉल्ड ट्रेवलर। मैंने यहां से मैंने पकड़ा हुआ है और इस जगह को मैं मोशन दे रहा हूं,
मोशन दे रहा हूं, यू मोशन दे रहा हूं, ठीक है जी। तो बीच में हो क्या रहा है, बीच में ये जो अराउंड बन रहा है दिस इज बेसिकली कॉल्ड द बैलून। यहां हमारे पास एक बैलून बन रहा है क्योंकि ऊपर अटैच है, नीचे मैं उसको घुमा रहा हूं, ये एक बैलून बन रहा है। तो ये कुछ इस शक्ल में बन जाता है, कुछ इस शक्ल में बन जाता है कि ये देखे, ये ऐसे बन जाता है, यूं इस टाइप ऑफ बन जाता है। अब ये जो बैलून बना है ये किसके जरिए बना है, ये इस ट्रैवलर और इस लैपिड गाइड की वजह से बना है, ठीक है, क्योंकि ट्रैवलर मूव कर रहा है। आते हैं हमने टॉपिक की तरफ कि ट्रैवलर का मास और बैलून में क्या फर्क है, कि बैलून का टेंशन हम कैसे वो करते हैं। क्योंकि जब ये रिंग जो है बेसिकली ये पहले नीचे होता है, जो कॉप है उसका नीचे वाला हिस्सा बनाता है, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉबिन है और इस बॉबिन का पहले हम नीचे हिस्से में वाइंडिंग करते हैं, नीचे हिस्से पे हम धागा लपेटते हैं, फिर ऊपर आ जाते हैं, फिर बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं, मतलब ये उसका बेस है, ये इसकी बॉडी है और ये इसका टॉप है। इन तीनों को हम अलग अलग बारी में एक साथ, ये नहीं कि एक साथ ऊपर आके फिल करें पर दोबारा ऊपर आके फिल करें, नहीं, पहले इसका बेस बनाता है, फिर इसकी बॉडी बनाता है, फिर इसका हेड बनाता है। तो जब ये यहां होता है, बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जब ये यहां होता है नीचे, तो बैलून हाइट हमारे साथ क्या होगी, बड़ी होगी। और जब ये छोटा होता है, जब ये इधर होता है, तो बैलून वो हमारे पास कम होगा। फॉर एग्जाम्पल ये कि जब हमारे पास रिंग यहां होगा तो यहां बनेगा बैलून, फिर अगर हमारे पास यहां होगा यहां, तो हमारे पास यहां बनेगा, फिर अगर हमारे पास यहां होगा तो हमारे पास यहां बनेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें कि इसकी हाइट को देखा जाए लंबा है, इस बैलून की हाइट को देखा जाए छोटा है, इस ये जो है ये दोनों से डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये हमारा वेरिएशन क्रिएट कर रहा है। तो इसी वजह से जब हम रिंग को ऊपर करते हैं, इसको ट्रिवर्स मोशन कहते हैं, तो इस लैपिड गाइड को भी ऊपर नीचे ट्रिवर्स मोशन देते हैं ताकि हमारे पास ये जो बैलून है ये इक्वल लेंथ में आ जाए। लेकिन फिर भी हम इसको इतना ट्रिवर्स नहीं देते जितना कि ये रिंग देता है, इसी वजह से इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है कि ट्रैवलर का मास और बैलून में वो क्या है, तो हम ट्रैवलर के मास को हमेशा वेटेड, मतलब जिसका हाई वेट हो उसे चूज करते हैं। मतलब ये जो ट्रैवलर है हमारे पास, ये सी टाइप, यहां ये सी टाइप, सॉरी यहां इस तरफ है क्योंकि धागा इस तरफ है, ये जो सी टाइप है ये बेसिकली कारण हमारे पास हाई वेट होना चाहिए। अब अगर लो वेट हुआ तो क्या होगा, हाई वेट हुआ तो क्या होगा, और हमें क्यों जरूरी है। देखिए जब ये ट्रैवलर हाई वेट का होता है तो होता क्या है कि इसने एक टेंशन क्रिएट किया होता है, एक दबाव डाला होता है इस बैलून पे, इस धागे पे। तो जब ये बैलून पे ये हाई वेट होता है और दबाव डाल लेता है, तो इसका जो प्रोडक्शन है कि जब बैलून फुलता है यूं क्रिएट होता है, तो अगर इसको नीचे से खींचा जाए तो इसका जो हाई, इसका जो विड्थ है वो कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी इसका विड्थ इतना है, अगर मैंने हाई वेट ट्रैवलर लिया तो इसका वेट यूं कम होके यहां आ जाएगा। अब देख सकते हैं इस चीज को, यहां से आया यहां तक, किसकी वजह से, ट्रैवलर के मास की वजह से। अच्छा एक बात तो ये हुआ कि इसकी वजह से, दूसरी बात ये है कि जब हम इसका वेट बढ़ाएंगे, तो देखिए जब हम हाई वेट से किसी चीज को, धागे को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, और किसी चीज पे वाइंड करेंगे, मतलब टाइटली, तो हमारे पास जो कॉप बनेगा, जो ये हमारे पास इस स्पिंडल पे वाइंडिंग होगी, ये बड़ी टाइट हो जाएगी, मतलब प्लफी नहीं होगा। हमारे पास जो कॉप बनेगा, जो कि बॉबिन बनेगा, आप जो भी कह रहे हो इसको, वो हमारे पास टाइटली बनेगा और जल्दी से अनवाइंड नहीं होगा। जल्दी से अनवाइंड का मतलब ये है कि उसमें कोई फॉल्ट नहीं आएगा। तो पहली बात ये हुई कि इस बैलून का वेट कम करेगा, दूसरी बात ये है कि जो हमारा कॉप बनेगा उसको टाइटली बनाएगा, ये दूसरी बात हुई। अच्छा
एक और बात कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा ये ट्रेवलर का वेट जो है ये कम हुआ, लेट मी शो यू, अगर ट्रेवलर का मास टू लो, अगर हमारे पास इस ट्रेवलर का मास जो है ये बहुत ज्यादा कम हुआ, अगर ये हमारे पास ट्रेवलर का मास जो है ये बहुत ज्यादा कम हुआ तो इसका मकसद ये है कि यहां बैलून का वेट हाई बनेगा, ठीक है, और जो हमारा कॉप है वो प्लफी बन जाएगा, वो टाइटली नहीं बनेगा, ठीक है जी। और अगर फॉर एग्जांपल दूसरे केस में, ये तो पहला केस है कि अगर बहुत लाइट वेट हुआ, बहुत लाइट वेट हुआ तो हमारे पास ये आएगा कि इसकी जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा आ जाएगी, और उसकी वजह से अगर विड्थ ज्यादा आ रही है तो टेंशन ज्यादा आ रहा है इस पे। और अगर फॉर एग्जांपल ये बहुत ज्यादा हाई वेट हो गया, दूसरे फॉर्म में हाई वेट हो गया, तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये जो इसका विड्थ तो कम हो जाएगा लेकिन जो हमारे पास स्कोप बनेगा वो बेतहाशा टाइटली बन जाएगा, और यहां पे क्या हो जाना है कि यहां पे उसकी ब्रेकिंग पॉइंट है, जो कि हमारे पास जब ड्राफ्टिंग असेंबली से निकलता है तो ड्राफ्टिंग असेंबली का जो स्पिनिंग ट्रायंगल पॉइंट है, जो कि मैंने एक वीडियो में सिखाया भी है आपको, वहां ये ब्रेक हो सकता है, वहां कट हो सकता है। जब ये टेंशन, अगर फॉर एग्जांपल जब हमारे पास लो है, मास इसका लो है, तो टेंशन हमारे पास यहां क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ट्रेवलर का बैलून पे टेंशन कम हो रहा है, ठीक है जी। लेकिन अगर हाई वेट है तो हाई वेट का टेंशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब इसका धागे का खिंचाव बहुत होगा, तो अगर धागे को हम ज्यादा खिंचाव में ला रहे हैं तो धागे में जहां भी वीक पॉइंट होगा वहां ये ब्रेक कर जाएगा। तो ये बेसिकली ट्रैवलर मास और बैलून का रिलेशन है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम ये करते हैं कि हमेशा हाई वेट वाला लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम मैचिंग लेते हैं, मैचिंग बेसिकली या ना ज्यादा हाई वेट वाला ना ज्यादा लो वेट वाला, लेकिन मैं हाई वेट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर हम कंबिनेशन कर ले कि हमने हाई वेट लेना है या कम वेट लेना है, तो हम उसमें से चूज करेंगे कि हमने हाई वेट लेना है, लेकिन उसके मुताबिक लेना है। ऐसा नहीं करना कि भाई बिल्कुल जो है बिल्कुल हाई वेट ले लो, मतलब हमने इसके मैचिंग लेना है लेकिन इन फ्रंट ऑफ लो वेट हमने हाई वेट लेना है, ठीक है जी। और धागे को भी देखा जाता है कि किस धागे में कितना स्ट्रेंथ है, इसी उसके मुताबिक भी हम जो है ट्रैवलर को और रिंग को, जो है रिंग कौन सा है ट्रैवलर कौन सा है, इसकी कम्बिनेशन लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।